टेट का एग्जाम देने के लिए आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी क्राउड है, काफी भीड़ है यहाँ पे। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं पटना, क्योंकि हम लोग काफी दिन से प्लान कर रहे थे पटना का, और मैंने अभी तक पटना का ब्लॉग शूट नहीं किया। तो हम आज जा रहे हैं पटना। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं अभी आ गया हूँ बिल्कुल टोल प्लाजा के पास में, जो मेरे घर के बिल्कुल करीब में है। तो मैंने यहीं से ब्लॉग को स्टार्ट किया है। तो चलिए चलते हैं पटना। चलिए भाई साहब, हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं, लगभग हाजीपुर के करीब में है। यहाँ से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हाजीपुर बचा हुआ है। तो बिना देर के हुए चलते हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं एक और टोल प्लाजा आ गया है। हम लोग हाजीपुर पहुंच गए हैं। सामने हाजीपुर का पुल है, हम लोग को यहाँ से लेफ्ट जाना है। और यहाँ सब थोड़ा ही दूर बच गया है पटना का। चलिए भाई साहब, हम लोग गांधी सेतु पुल के पास में आ गए हुए हैं। देख सकते हैं मेरे सामने बहुत ही प्यारा पुल बनाया गया है, जो अभी रिसेंटली बना है। और आप लोगों को पता होगा ये वैशाली और पटना को आपस में कनेक्ट करती है। और पुल की डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले तो बहुत पुराना रोड था, जिसके वजह से काफ़ी जाम लगता था, घंटों घंटे लोग को इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब नया पुल बन जाने के बाद बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होता है, आप आसानी से इसको पार कर सकते हैं। और ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ बहुत ही विशाल पुल है, जो पूरे बिहार का सबसे बड़ा पुल माना जाता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग पटना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, और चलते हैं पटना और दिखाते हैं हम आप सभी को। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पटना पहुंच गए हुए हैं। और हम लोग सेंटर वगैरह भी ढूंढ लिए हैं, और एडमिट कार्ड भी हम लोग निकाल लिए हैं। और एग्ज़ाम जो है से 1 बजे के करीब से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग जो है से एक रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि 11:30 बज गया है। ये यहाँ का ढाबा है, कुछ प्रकार से मेन रोड के जस्ट बगल में है, और हमारा सेंटर भी बिल्कुल पास में ही है। तो सोचे चलिए पहले खाना खा लेते हैं। हमारे खाने में क्या, हमने ऑर्डर मछली दिया था, हालाँकि चिकन मटन और अंडा का भी व्यवस्था था, लेकिन हम लोगों ने मछली का ऑर्डर किया, मछली चावल। और इधर और भी चीज़ है इसके साथ खाने के लिए। तो हम लोग खाना वगैरह खा के सेंटर पर आ गए हैं। और मेरे सामने देख सकते हैं काफ़ी सारा स्टूडेंट है, जो डीएलएड का एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। और मेरे साथ जो लड़का था, वो अभी अंदर एंट्री करने वाला है, क्योंकि उसका सेकेंड पाली में था, सेकेंड सेशन में था इसके वजह से। और फर्स्ट सेशन का स्टूडेंट सब निकलना शुरू कर दिया है। ये सामने उसका सेंटर है, और हमने अपना गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर दिया है। और जैसे उसका एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद, तो देखते हैं कैसे क्या करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, सारा स्टूडेंट जैसे बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी क्राउड है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। देख सकते हैं मेरे चारों तरफ काफ़ी भीड़ है, और ऊपर से सारा स्टूडेंट बारी बारी से निकल रहा है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ।
काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि लेट एग्ज़ाम शुरू हुआ था, क्योंकि सर्वर नहीं था इसके वजह से लेट एग्ज़ाम शुरू हुआ था, इसलिए लेट जो है से छुट्टी हो रहा है। लगभग अभी 5:30 बज गया है और इस समय स्टूडेंट जो है से निकलना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं किस प्रकार से स्टूडेंट निकल रहे हैं और उनके साथ जो आए लोग हैं यहाँ बाहर। तो चलिए एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि हम लोग का प्लान था रात में रुकने का, लेकिन हम लोग नहीं रुक रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। बाकी बात देख सकते हैं पटना शाम के समय में कितना खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप लोगों को बढ़िया से एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए दिनों के साथ। और कल आप लोगों ने देखा जो किस प्रकार से पटना हम लोग गए थे एग्ज़ाम देने, क्योंकि कल डीएलएड का एग्ज़ाम था तो हम लोग डीएलएड का एग्ज़ाम दिए थे, सेकेंड सिटी में था जिसकी वजह से काफ़ी रात हो गया था। और उसमें भी ये घटना घट गया कि जो सर्वर नहीं होने की वजह से 1 घंटा लेट एंट्री हुई, इसलिए बाहर भी 1 घंटा बाद निकलना पड़ा। तो पटना तो बढ़िया से नहीं दिखा पाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारा 2 दिन में टूर शुरू होने वाला है उत्तराखंड का, हम लोगों ने पूरी प्लान कर लिया और इस बार जो है से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में हम काफ़ी जगह लोग एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो आगे का सारा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करो तो अपने दोस्तों तक शेयर करो। फिर मिलते हैं हम आप सभी से एक नए ब्लॉग के साथ, वो भी उत्तराखंड में। जब तक के लिए बाय बाय।